Allô? J'imagine que ça vient DJ. ये लड़का है कि लड़की के लिए? लड़की के लिए ब्लाउज था। अच्छा ब्लाउज। अच्छा जो हाउस वाइफ है उसके लिए क्या है? और हाउस वाइफ के लिए बहुत सारे हैं। ये देखिए हाउस वाइफ। अच्छा अच्छा काम किया हुआ है ना? अच्छा काम किया हुआ है, एम्ब्रॉयडरी लगा हुआ है और मुलायम भी है, पहनने में आपको बढ़िया लगेगा। सॉफ्ट भी है। किसके लिए है? लड़की के लिए। ये जो लड़की आ जाएगा, पतली पतली दूसरी लड़की को आ जाएगा। अच्छा अच्छा। और थोड़ा जो जिसके फिगर अच्छा है, जो फिगर अच्छा हो, कॉलेज की लड़की के लिए लगा सकते हैं कॉलेज। अच्छा, कितना नंबर स्टॉल है आपका? मेरा 30 नंबर दुकान है। कितने बजे तक रहते हैं दुकान में? सुबह 9 बजे से शाम 9:30 बजे तक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तेंदिन है। अच्छा, कितना दाम है? नमस्ते, म गीता, दुकान नंबर 60 र झारखंड में हम सेल्समैन आएको छु। सबैजना कस्टमर लगायत यहाँ जति पनि हुनुहुन्छ सबैलाई स्वागत छ। तिब्बत मार्केट अल इन्डिया लाग्छ, अल इन्डियामा तपाईँहरूले चिन्नु भएको छ तिब्बत मार्केट भनेर है। र सबैजनालाई विशेष स्वागत छ। आप लोग के लिए हम लोग यहाँ पर आते हैं, आप लोग का सबके लिए सम्मान है, स्वागत है। क्या क्या है इस बार की स्पेशल महिला लोग के लिए? महिला लोग के लिए है जैकेट है, स्वेटर है, शॉल है, सब है। कितना बच्चा, कितना उम्र का महिला लोग आपके दुकान से आकर ले सकती है? बच्चे से बड़ों तक जितना उम्र का चाहिए उतना उम्र का मिलेगा। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना आईडी लाइव, तिब्बत मार्केट सर्कस मैदान में हर साल की भांति इस साल भी लगा हुआ। लेकिन इस तिब्बत मार्केट का लगने का कारण क्या है, इसकी इतिहास क्या है, क्यों तिब्बत के लोग इस जमशेदपुर में आते हैं ठंडा में और अपनी वस्त्र बेचते हैं? तो आज हमारे साथ टॉप गिल है जो इस तिब्बत मार्केट के अध्यक्ष हैं, उनसे जानने का कोशिश करते हैं, उनके बाद हम उससे कुछ सवाल जवाब करेंगे। तो आप बताइए अध्यक्ष जी कि कितने साल से लगते हुए आ रहा तिब्बत मार्केट? अच्छा, हम लोग इन्हें जमशेदपुर में कम से कम 35 साल से ना यहाँ पर लगा रहा है। और हमारा यहाँ पर ना पहले जो हमारा फादर लोग यहाँ पर लगा रहा है, इसका बाद हम ही लोग लगा रहा है। और यहाँ पर जमशेदपुर में ना हर साल हम लोग ना ये सीज़न विंटर सीज़न में आता है। और यहाँ का मतलब क्योंकि ना हम लोग यहाँ पर जब भी हाँ सर, उसके बारे में बताइए कैसे करके आप लोग जमशेदपुर में आगमन हुआ और क्या सेल होता है कैसे करके? अच्छा, जमशेदपुर में हम लोग ना हर साल यहाँ पर आता है, सेल बहुत अच्छा होता है। क्योंकि ना यहाँ जमशेदपुर वासियों को हम लोग ना जब भी हर साल हम लोग आते जब भी आता है हम लोग को ना बहुत मतलब ये मिलता है और रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलता है। और क्योंकि ना हमारा मतलब अभी जो हम लोग सेकेंड जनरेशन आ रहा है यहाँ पर, जो मेरे पहले हम लोग फादर उधर आ रहा है, इसके बाद अभी हम ही लोग आ रहा है। अभी जो भी यहाँ पर है ना हम लोग ना घर परिवार सब ना यहाँ का मतलब विंटर सीजन आके हम लोग यहाँ का स्वीटर सेल्स विंटर सीजन के लिए ना यहाँ पर हम लोग ना यही विंटर सीजन के लिए ना अभी यहाँ जो भी आता है, फिर हमारा परिवार यहीं से चलता है, फिर हमारा बाल बच्चा सब ना यहीं पर यहीं से ना हम लोग ना कमा के मेहनत करके यहाँ पर ना हम लोग अब यहाँ का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलता है, इसलिए हम लोग ना यहाँ हर साल आता है। फिर हमारा बच्चा लोग सब कुछ यहीं से हम लोग ना पेड़ उड़ यहीं से पालता है और यहाँ स्कूल कॉलेज सब ना यहीं से हम साल यहाँ पर कमाने आता है। क्या जमशेदपुर के देखे कि जमशेदपुर के लोग इनका इंतजार करते हैं कि तिब्बत मार्केट कब लगेगा? तो आपको जमशेदपुर मार्केट का पूरा माल उनको सेल कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट भी पड़ जाता होगा, उतना डिमांड जितना है उतना सप्लाई हो जाता है, सेल होता है। अच्छा, जमशेदपुर का मतलब यहाँ पर हम लोग ना इतना जमशेदपुर सबको हम लोग ना इतना माल नहीं दे सकता है। हम लोग ना माल जो है ना यहाँ का मतलब आबादी का मतलब वजह से हम लोग ना यहाँ पर हम लोग माल शॉर्ट हो रहा है। अच्छा। क्योंकि हमारा माल जो है ना एकदम ना ये है,
क्वालिटी जो अच्छा रहता है और माल सस्ता भी है, और माल जो भी आता है पूरा फैशनेबल ही आता है। और एक बात क्या है ना, हमारा माल जो है ना, जब भी हम लोग ना हर साल है ना यहाँ पर है ना ऑर्डर दे के ना माल जो जो नया नया डिज़ाइन जो है ना पहले से हम लोग 6 महीना पहले ऑर्डर दे देता है। और इसका बात क्या है ना, फिर यहाँ का है ना पर यहाँ का डिमांड है, यहाँ का डिमांड जो है ना हम लोग पूरा नहीं होता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, बहुत अच्छी बात बोले कि आप लोग कंपनी से डायरेक्ट ऑर्डर देते हैं और लेटेस्ट फैशन जो बाज़ार में जो मिलता है उस वो लेटेस्ट फैशन नहीं होता, लेकिन आप लोगों के पास जो होता है लेटेस्ट होता है सर। ये चीज़ बोलना चाह रहे हैं ना। हाँ, हाँ, अच्छा ये चीज़ बताइए, कॉस्ट बाज़ार से और आपका कॉस्ट में क्या अंतर रहता है? हम लोग और बाज़ार में ना क्वालिटी में भी बहुत फ़र्क है और कॉस्ट में भी ना बहुत मतलब ना अंदर है। जो हमारा जो अभी जो माल जो बेच रहा है 500-600 वाला है ना, बाज़ार में कम से कम आपको है ना 1200 या 1500 इतना आपको लग जाएगा, क्योंकि हमारा अभी जो हमारा 1200-1500 का माल जो है ना वो बाज़ार में ना कभी आया नहीं होगा। ये वाला माल क्वालिटी जो यहाँ हम लोग जो अभी जो ऑर्डर जो देता है माल जो है ना क्वालिटी और ये डिज़ाइन सब चीज़ ना 6 महीना पहले हम लोग ना माल जो है ना रेडी करके ना हम लोग ना डिज़ाइन तो आपका एक टीम होगा कि जो बाज़ार में डिमांड को अरेंज करता है, फैक्ट्री विजिट करता है, तो पूरा टीम आप लोग का काम करता है लगता है इसमें, है ना? हाँ जी। कितने परिवार जुड़े हुए हैं इस मार्केट के थ्रू? अभी हमारा यहाँ मार्केट में कम से कम 55 परिवार है यहाँ पर, लेकिन हम लोग यहाँ पर है ना 55 परिवार है, लेकिन है ना हम लोग ना एक यूनियन बना हुआ है। अब जो माल जो है ना हम लोग यहाँ पर है ना 3 अध्यक्ष है और यहाँ पर है ना टोटल है ना 7 मेंबर है इसका, मतलब हम लोग ना ये बोर्ड का। हाँ जी, डिसीजन होता है। फिर हम लोग ना जो भी नया नया जो डिज़ाइन आता है वो सब चीज डिज़ाइन जो कलेक्ट करके और हम लोग पहले लॉन्च कर देता है मार्केट में। जो मतलब यहाँ पर है ना पहले लॉन्च नहीं हुआ हम लोग पहले ना यहाँ निकाल देता है, लॉन्च कर देता है। अच्छा एक चीज़ बताइए, ये तो विंटर सीजन में आप लोग अपना दुकान लगाया, विंटर सीजन के बाद आप लोग क्या करते हैं? अभी विंटर सीजन के बाद हम लोग तो यहाँ पर रहना रिफ्यूजी है, विंटर सीजन के बाद फिर हम अपना गांव चले जाता है। अभी यहाँ पर रहना जितना भी यहाँ मार्केट में है ज़्यादा से ज़्यादा कर्नाटक से है और हिमाचल से भी है, सिक्किम साइड से में भी है पूरा। हम लोग वहाँ पर रहना, इंडियन गवर्नमेंट ने हम लोग वहाँ रिफ्यूजी कैंप दिया हुआ है सबका, मतलब खेती बाड़ी करके बैठता है कोई, मतलब छोटा मोटा बिजनेस करके बैठता है। देखिए बहुत ही मार्केबल बात बोले गया, इन्होंने बोला कि भारत और तिब्बत के साथ या भारत सरकार के साथ इन लोग का कोलेबोरेशन है। जिस समय तिब्बत विस्थापित हो रहे थे तो उनको सरकार ने, भारत सरकार ने अलग अलग राज्य में बसाया, और जो यहाँ के तिब्बत जो मार्केट है वह कर्नाटक के लोगों के द्वारा गया है और हिमाचल प्रदेश में। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है कि यहाँ के बिजनेस स्ट्रेटजी आखिर कैसे करके इतने बड़े बाज़ार में वह अपनी माल को सेल करता है, तो इनका सबसे पहला स्टेटिक्स है कि इन लोग क्या करते कि 6 महीना पहले बाज़ार में सर्वे होता है और बाज़ार में क्या नया फैशन का प्रोडक्ट आ रहा है उसका उसी के हिसाब से इन लोग डायरेक्ट कंपनी को परचेस का ऑर्डर देते हैं बंच में, जिसके कारण क्या होता है कि बीच में कोई भी मीडिएटर नहीं होता है, तो कॉस्ट ऐसे कम हो जाता है और उस प्रोडक्ट को यहाँ पर लाकर सेल करना। इनका कहना है कि जो बाजार है हम लोग जमशेदपुर में नहीं दे सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि जितना इन लोग का सेल है उतना डिमांड नहीं पूरा हो सकता, और सबसे बड़ी चीज़ है कि उसके बाद फिर इस विंटर सीजन के बाद फिर इन लोग अपने काम करते हैं और ये जमशेदपुर का मार्केट इन लोग हर साल आते हैं। तो और इसमें क्या चेंज हो रहा, क्योंकि कंपटीशन मार्केट है, बच्चे लोग अब ये सब काम करेंगे कि नहीं करेंगे आने वाले समय में, और इसमें क्या परिवर्तन हो रहा, क्या आप लोग रेगुलर जमशेदपुर को वह प्रोडक्ट देते रहेंगे? अच्छा, हम लोग तो अभी जो जब तक हम लोग देश नहीं मिलेगा, आज़ाद नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग जमशेदपुर में ना यहीं पर है ना विंटर सीज़न आते रहेगा और जमशेदपुर का मतलब ना वासियों को हम लोग ना हर साल है ना नया नया डिज़ाइन और नया नया कपड़ा और नया नया क्वालिटी भी ना बेस्ट क्वालिटी और ना और जितना अच्छा दे सकेगा इतना अच्छा हम लोग देने का कोशिश करेगा। हमारा तिब्बत मार्केट जो है ना सर्कस मैदान गोलमुरी जमशेदपुर, और ये हमारा यहाँ पर है ना ये जो लगाता था ये हर साल हम लोग ना अक्टूबर 25 तारीख से जनवरी 25 तारीख तक 4 महीना के लिए लगाता है यहाँ पर। देखिए जनवरी 25 तारीख तक लास्ट डेट है, इस तिब्बत मार्केट में आइए, इनके प्रोडक्ट को देखिए, और सबसे बड़ी चीज़ है कि कपड़ा फैशन का युग होता है, फैशन जिसके पास अच्छा लेटेस्ट है वही कपड़ा आपको दिखता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि तिब्बत मार्केट आपको नया फैशन का एक बाज़ार है, नया कॉस्ट कम कॉस्ट में
अच्छा क्वालिटी का कपड़ा है। और क्या बोलना चाहते हैं कि क्या चीज़ है कि जो अभी बच्चे बूढ़े और आकर देखे वह चीज नया है आपके पास इस दुकान में, वो लग कुछ है तो बताइए। अच्छा, हम लोग दुकान में है ना, आप जी छोटा बच्चे से लेके बुजुर्ग तक सबका चीज, मतलब सबका सामान है यहाँ पर है ना। आपको है ना जो गर्म कपड़ा के लिए ना, अंदर में इनर उनर या स्वेटर नया जैकेट वैकेट और लेडीज कार्डिगन लॉन्ग कोट वूट सब कुछ सब यहीं पर आपको ना तिब्बत मार्केट में मिलेंगे। सब वैरायटी शॉल स्टॉल और हैंड ग्लोव्स चप्पल और जो भी चीज़ आपको है ना यहाँ गर्म कपड़ा जो है ना सब यहीं पर मिलेगा। हर साल की भांति इस बार भी सर्कस मैदान गोलमुरी जमशेदपुर झारखंड में लगा हुआ है। आप आइए, 25 तारीख लास्ट डेट है। जितना अधिक से अधिक अपने परिवार के लिए अपने फैमिली के लिए कपड़ा खरीदिए, ऊनी कपड़ा खरीदिए और इनका फ़ायदा उठाइए और उस फायदा से तिब्बत लोगों का भी फायदा होगा। और एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद, जोहार।